कानून और एनआरसी के विरोध में आज पुराने लखनऊ में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग सड़कों पर उतर गए और इसका विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस चौकियों में, बाइकों में, कई मीडिया हाउसेस की जो ओबी बैंस होती हैं उनमें जिस तरीके से आग लगा दी गई, उसको देख करके जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। कल ही शाम डीजीपी ओपी सिंह ने एक वीडियो जारी कर लोगों से सड़कों पर बेवजह न निकलने की अपील की थी, मगर जिस तरीके से आज बड़े पैमाने पर खदरा से लेकर के जो पुराने लखनऊ का जो हिस्सा है वहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग सड़कों पर उतरे और कहीं ना कहीं पुलिस फोर्स की कमी महसूस की गई, उसके बाद पूरी व्यवस्था जो पुलिस ने किस तरीके से तैयारी की थी उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब हालांकि यूपी पुलिस के मुखिया डीजीपी ओपी सिंह और एडीजी येलो पीवी रामा शास्त्री खुद मौके पर पहुंचे हैं और पूरी जो घटना हुई है उसका जायजा ले रहे हैं। हालांकि अभी कुछ छिटपुट हिंसा की वारदातें हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी घटना पर उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के कारणों की जांच के लिए अफसरों संग एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें घटना के कारणों पर विचार होगा और आगे की जो भी तैयारियां होंगी उस पर चर्चा की जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये विधानसभा का इलाका है, जिस तरीके से परिवर्तन चौक पे यूपी प्रेस क्लब के सामने खदरा में जिस तरीके से घटनाएँ हुई, उसके बाद प्रदर्शनकारी हजरतगंज के लोक भवन विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बड़ी फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है, अच्छी खासी तादाद है पुलिस कर्मियों की, ताकि प्रदर्शनकारी इधर ना आने पाए। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।